Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning Computer of Class 6 by Brain Root series. And here is a book. The name of your book is Cyber Creators. Today we are going to start with chapter number 5 and the name is PowerPoint 2021 Advanced Features. So yes, we are going to learn about PowerPoint 2021 and its advanced features. Let's start with what all we are going to learn here. So we are going to learn about Slide Master, using the Slide Master, inserting a smart art graphic, inserting a table, inserting a chart, applying animation effects, and applying transitions. So these all things we are going to learn here in MS PowerPoint 2021. Before that, let's do this activity that is given in your book. Write the name of different apps of MS Word PowerPoint 2021. So MS Word PowerPoint 2021 के जो different apps हैं, उनके name आपको यहाँ पे लिखने हैं. Let's start with the Slide Master. So children, do you know what is Slide Master? So the Slide Master is a useful feature of PowerPoint. ये PowerPoint का बहुत ही useful feature है. It is the topmost slide of the presentation. ये जो है presentation की जो सबसे ऊपर वाली slide है उसे कहते हैं. That stores information regarding the themes and slide layouts. जिसमें क्या होते हैं themes होते हैं slide layouts होते हैं. Of the presentation including the fonts, background design, placeholder, size, position and color scheme. तो ये सारी चीज़ें आपके slide master में आती हैं. A slide master sets the default layout and formatting for all the other slides. ये जो slide master ये क्या करता है default layout ले आता है जब भी आप इसे select करेंगे जो default layout जो already saved layout है वो आ जाएगा यहाँ पे. And it actually controls the entire presentation और पूरे presentation को control का काम इसका ही है. Any change made in the slide master page automatically reflects on every slide of the presentation. अगर हमने slide master में ज़रा सा भी change किया तो जो भी हमारे presentation है जो भी हमारे slides हैं उन सब में वो change apply हो जाएगा. A slide master consists of two placeholders. So ये जो slide master है इसमें आपको दो placeholders दिखाई देंगे. पहला आता है स्लाइड टाइटल प्लेस होल्डर और दूसरा आता है बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर. अब क्या है स्लाइड टाइटल प्लेस होल्डर? इट इज द फर्स्ट प्लेस होल्डर फॉर द टाइटल ऑफ द पेज. जो हमारा पेज है उसका जो टाइटल उसे लिखने के लिए ये जगह बनी हुई होती है. यू कैन मूव द टाइटल प्लेस होल्डर एनी वेयर ऑन द स्लाइड. इस प्लेस होल्डर को हम स्लाइड पे कहीं भी लगा सकते हैं. नेक्स्ट आता है बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर. दिस प्लेस होल्डर इंक्लूड्स जनरल ऑब्जेक्ट्स. ये जो प्लेस होल्डर है इसमें आपको जनरल चीज़ें मिलेंगी जैसे कि टेक्स्ट हो गया जिसमें बुलेट्स लगे हुए हैं, चार्ट्स मिल जाएंगे, पिक्चर मिल जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई देंगी बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर में. ईच स्लाइड मास्टर कंटेन्स वन और मोर स्टैंडर्ड और कस्टम सेट ऑफ लेआउट्स. तो जितने भी स्लाइड मास्टर है सब में एक या उससे ज़्यादा स्लाइड लेआउट्स आपको मिलेंगे. Using the slide master. अब कैसे use किया जाए slide master को? To use the slide master, follow these steps. ये जो steps दिए गए इन्हें follow करना है. पहला क्या करना है हमें slide master option पे click करना है. Master view group में जाके view tab में. तो हमें सबसे पहले view tab में जाना है. अब यहाँ पे हमें जाके master views group में जाना है और वहाँ से जाके हमें slide master पे क्लिक करना. ये हमारा स्लाइड मास्टर. इन दिस व्यू यू विल सी द मास्टर स्लाइड एट द टॉप ऑफ द लेफ्ट पेन. तो इस व्यू में क्या है आपको जो मास्टर स्लाइड है वो दिखाई देगा ऊपर लेफ्ट पेन में विद द लेआउट स्लाइड बीनीथ इट. और उसके नीचे होगा उसका लेआउट स्लाइड जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है. यू कैन चूज एनी ऑफ द लेआउट्स फ्रॉम द लेआउट स्लाइड. आप किसी भी तरीके का लेआउट लेआउट स्लाइड में से सेलेक्ट कर सकते हैं. एग्जाम्पल दिया गया है अगर आपको जो है चेंज करना है सारे ही स्लाइड में तो आपको क्या करना है टाइटल एंड कंटेंट लेआउट में जाना है. सेलेक्ट करना है इसे टाइटल कंटेंट लेआउट मास्टर को
इन द पेन. तो पेन में आपको टाइटल एंड कंटेंट लेआउट को जो है सेलेक्ट करना होगा. नेक्स्ट है क्लिक ऑन थीम्स. अब थीम्स पे क्लिक करना है जो कि एडिट थीम ग्रुप में है आपके स्लाइड मास्टर टैब में, और वहां से जो भी थीम आपको अप्लाई करनी है वो वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है क्लिक ऑन द बैकग्राउंड स्टाइल. अब बैकग्राउंड स्टाइल पे क्लिक करना है जो कि आपको बैकग्राउंड ग्रुप में मिलेगा स्लाइड मास्टर टैब में. तो सारी चीजें आपको स्लाइड मास्टर टैब में मिलने वाली है. सेलेक्ट द रिक्वायर्ड बैकग्राउंड, जो भी बैकग्राउंड लगाना है उसे सेलेक्ट कर ले. अब अगला है टू चेंज द टेक्स्ट कलर. अब टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है तो हमें क्या करना है, पहले हमें होम टैब पे क्लिक करना है. अब सेलेक्ट करना है टेक्स्ट और फिर क्लिक करना है फॉन्ट कलर पे. ये कहाँ मिलेगा हमें, फॉन्ट ग्रुप में. वहां जाके हम अपने फॉन्ट के कलर को चूज कर सकते हो. तो यहाँ पे रेड कलर चूज किया गया है. सेलेक्ट एनी फॉन्ट कलर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. तो जो लिस्ट है उसमें से हमें फॉन्ट कलर जो भी चाहिए वो हम सेलेक्ट करेंगे. द चेंज फॉन्ट कलर विल अपीयर इन ऑल द स्लाइड्स इन द स्लाइड मास्टर टास्क पेन ऑन द लेफ्ट. तो जो हमने फॉन्ट का कलर एक में डाला है वो सब में अप्लाई हो जाएगा. लाइकवाइज यू कैन अप्लाई डिफरेंट फॉर्मेटिंग चेंजेस ऑन स्लाइड विद अ स्पेसिफिक लेआउट. इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, दूसरे अलग अलग तरीके के फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं. रिमेंबर दैट टेक्स्ट ऑन द मास्टर स्लाइड इज यूज ओनली फॉर स्टाइलिंग. जो मास्टर स्लाइड है उस पर जो टेक्स्ट है सिर्फ उसे स्टाइलिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है. द टेक्स्ट ऑन द एक्चुअल स्लाइड सच एज टाइटल एंड लिस्ट शुड बी टाइप्ड इन द नॉर्मल व्यू. लेकिन ये जो एक्चुअल स्लाइड में जो टाइटल और लिस्ट है उसे नॉर्मल व्यू में ही हमें टाइप करना चाहिए. नाउ टू एंटर द एंड एडिट द हेडर एंड फुटर कंटेंट क्लिक ऑन द हेडर एंड फुटर बटन ऑन द टेक्स्ट ग्रुप इन द इंसर्ट टैब. अब अगर हमें हेडर और फुटर इंसर्ट करना है, हमने कल पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में क्या होते हैं हेडर एंड फुटर. तो अगर हमें ये हेडर और फुटर इंसर्ट करना है तो हमें हेडर फोटो बटन पे जाना है जो कि टेक्स्ट ग्रुप इंसर्ट टैब में आपको मिलेगा. अब वहाँ पे जाके फिर ये सब करने के बाद आपको क्लिक करना है क्लोज मास्टर व्यू. तो अब आपने क्लोज मास्टर व्यू कर दिया, ये बटन आपके सामने होगा. बटन प्रेजेंट ऑन द क्लोज ग्रुप, ये बटन आपको क्लोज ग्रुप स्लाइड मास्टर टैब में मिलेगा एंड वहाँ से आपको स्लाइड मास्टर व्यू को क्लोज करना है. तो यहाँ पे पिक्चर दी हुई है कैसे हम हेडर और फुटर को इंसर्ट करना है, अप्लाई करना है या अप्लाई सब पे करना है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपका पीपीटी स्क्रीन. नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ न्यू कस्टम लेआउट. एक नया कस्टम लेआउट बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए. सो इफ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंडर्ड लेआउट दैट सूट्स योर नीड. अगर आपको कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड लेआउट नहीं मिलता जो आपके नीड्स को सूट करे, यू कैन क्रिएट अ कस्टम लेआउट. आप क्या कर सकते हो, कस्टम लेआउट बना सकते हो जो आपको क्या करेगा, प्रेफरेबली सूट करेगा आपके स्लाइड के कंटेंट को. तो चलिए क्रिएट करते हैं न्यू कस्टम लेआउट बाय फॉलोइंग स्टेप्स गिवन बिलो. तो हमें क्या करना है, नया कस्टम लेआउट क्रिएट करना है दिए गए स्टेप्स से. तो पहले हम जाएंगे व्यू टैब में, वहाँ पे जाके हम सेलेक्ट करेंगे स्लाइड मास्टर को फिर से जो कि मास्टर व्यू ग्रुप में आपको ईजिली मिल जाएगा. अब यहाँ जाके हमें लेआउट को चूज करना है मास्टर स्लाइड मास्टर टास्क पेन में से एंड डिलीट करना है कोई भी अनवांटेड या फिर डिफॉल्ट प्लेस होल्डर. जो हमें नहीं चाहिए ऐसी चीज़ों को आप डिलीट कर दें, जैसे कि हेडर नहीं चाहिए या फुटर नहीं चाहिए या डेट एंड टाइम नहीं चाहिए, तो आप ये चीज़ें डिलीट कर सकते हो By clicking on the border of the placeholder. तो placeholder के border पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप ये चीज़ें वहाँ से डिलीट कर सकते हैं. And then press the delete key. और press करने के बाद border पे आपको delete key को press करना है. Next है now add a placeholder on the slide master. अब हमें क्या करना है, placeholder को add करना है. पुराना delete कर दिया तो नए को add करना है slide master में. तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट प्लेस होल्डर ड्रॉप डाउन बॉक्स पे जाएंगे जो कि मास्टर लेआउट ग्रुप में प्रेजेंट है. वहां से हमें सेलेक्ट करना है प्लेस होल्डर
एंड ड्रैग करना है माउस को स्लाइड पे टू पोजिशन ऑफ न्यू प्लेस होल्डर, जहाँ पे न्यू प्लेस होल्डर लगाना है वहाँ पे आपको ड्रैग करके ले आना है. यू कैन रिसाइज द प्लेस होल्डर बाई ड्रैगिंग वन ऑफ इट्स रिसाइजिंग हैंडल. आप क्या कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो प्लेस होल्डर को उसके रिसाइजिंग हैंडल को ड्रैग करके. फॉर एग्जाम्पल द पिक्चर प्लेस होल्डर इज क्रिएटेड एज शोन इन द डायग्राम. सो आप देख सकते हो यहाँ डायग्राम में आपको क्या है, पिक्चर प्लेस होल्डर बनाया गया है. सो कैसे आपको इसे ड्रैग करना है, दिस वी हैव लर्न हियर. नाउ इंसर्ट अ पिक्चर बाय क्लिकिंग ऑन द इंसर्ट पिक्चर स्टॉक इमेज. तो हमें इंसर्ट पे जाना है, फिर पिक्चर पे जाना है, फिर स्टॉक पे जाना है, फिर इमेज पे जाना है और डबल क्लिक करके हमें पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना है. राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड लेआउट थंबनेल. जो भी थंबनेल चाहिए मींस जो भी आपका लेआउट का जो थंबनेल है उसको हम राइट क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट द रीनेम लेआउट. और हमें अब रीनेम लेआउट को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द कंटेंट मेनू. कहाँ से, कंटेंट मेनू में से. द रीनेम लेआउट डायलॉग बॉक्स अपीयर. ये जो रीनेम लेआउट डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने आ जाएगा. टाइप अ न्यू नेम दैट डिस्क्राइब्स द न्यू लेआउट. अब आपको एक नया नेम टाइप करना है जो उस लेआउट को डिस्क्राइब कर रहा है जो आपने कस्टमाइज किया है. अब हमें रीनेम बटन पे क्लिक करना है. क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द सेव एज ऑप्शन. हमें फाइल टैब पे क्लिक करना है और सेव एज ऑप्शन पे जाना है. टाइप अ फाइल नेम इन द फाइल नेम बॉक्स. हमें फाइल नेम बॉक्स पे जाके फाइल नेम टाइप करना है. इन द सेव एज टाइप लिस्ट सेलेक्ट द पावर पॉइंट टेम्पलेट. तो हमें सेव एज टाइप लिस्ट में जाना है, वहाँ से हमें पावर पॉइंट टेम्पलेट को सेलेक्ट करना है एंड क्लिक करना है सेव ऑप्शन पे. इसके बाद हमें क्लोज मास्टर व्यू पे जाना है, यहाँ से हमें जाके इसे क्लोज करना है जो कि आपको स्लाइड मास्टर टैब में मिलेगा. जो लेआउट हमने ऐड किया है या कस्टमाइज किया है वो अब हमारे लिस्ट में अब हमें दिखाई देने लगेगी एंड ये आपको लेआउट ग्रुप में मिलेगा जो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट है. स्लाइड्स ग्रुप में जाके होम टैब में आपको ये लेआउट मिलेगा तो वहाँ पर आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगा. तो दिस इज हाउ वी हैव टू इंसर्ट द पिक्चर. नेक्स्ट इज इंसर्टिंग अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक. तो पिक्चर इंसर्ट करना हमने सीख लिया, अब हम सीखेंगे कैसे हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को इंसर्ट कर सकते हैं. तो स्मार्ट आर्ट इज अ ग्राफिक टूल दैट अलाउज यू टू प्रेजेंट डेटा. ये एक ग्राफिक टूल है जो आपको डेटा प्रेजेंट करने में हेल्प करता है और इंफॉर्मेशन विद ग्राफिक इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग द टेक्स्ट. तो ये क्या करता है, ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करने में टेक्स्ट की जगह आप ग्राफिक्स लगा सकते हो उसमें. ये जो ग्राफिक्स है ये हेल्प करते हैं आपके आइडियाज़ को कन्वे करने में, मैसेजेस को बताने में एंड ये मैसेजेस को और भी ज़्यादा इफेक्टिवली हमें बताते हैं. ये क्या है, इसमें बहुत सारे आपको ग्राफिकल लेआउट्स मिलेंगे जैसे पिरामिड मिलेगा, लिस्ट हायरार्की मिलेगा, मैट्रिक्स मिलेगा. ये तो ये सारे आपको ग्राफिकल लेआउट्स मिलेंगे जो कि आपके इस डिस्प्ले डेटा में डिस्प्ले होगा आपके प्रेजेंटेशन में. नाउ टू इंसर्ट स्मार्ट आर्ट इन अ स्लाइड फॉलो दी स्टेप्स. तो स्मार्ट आर्ट अगर आपको डालना है, आपको इंसर्ट करना है तो आपको ये जो स्टेप्स है इसे फॉलो करना पड़ेगा. तो पहले क्या करना है, एक स्लाइड में जाना है, वहां पर जाके स्मार्ट आर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है जो कि इलस्ट्रेशन ग्रुप के इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप में आपको मिल जाएगा. या फिर आपको क्या करना है, टाइटल एंड कंटेंट में जाना है जो कि आपको स्मार्ट इंसर्ट और स्मार्ट आर्ट ग्राफिक जो कि वहाँ पे स्लाइड में प्रेजेंट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा. अब वहाँ जाके आपको चूज करना है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक. डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, ये रहा आपका डायलॉग बॉक्स. तो ये आ जाएगा, अब इसमें से आप चूज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए. तो यहाँ कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं और लिस्ट भी दी गई है कौन कौन से तरीके के आपको स्मार्ट आर्ट यहाँ पे मिलेंगे. तो आप देख सकते हो लिस्ट है, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशन, मैट्रिक्स, पिरामिड, पिक्चर, ऑफिस डॉट कॉम. तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो भी आपको चाहिए, यू कैन चूज फ्रॉम देयर. अब जो भी कैटेगरी चाहिए उसे चूज करेंगे. तो हमने यहाँ पर चूज़ किया हायरार्की को. जैसे इस पर सेलेक्ट किया ये डिज़ाइंस हमारे सामने आ गए ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे जो कि राइट साइड में है. अब जो भी हमें चाहिए उसमें से सेलेक्ट करके हम ओके पे क्लिक कर देंगे.
अब क्या होगा, फोर्थ स्टेप कहता है एक ब्लैंक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट विल अपियर ऑन द स्लाइड। तो स्लाइड में आपको एक खाली ऑर्गेनाइजेशन चार्ट दिखाई देने लगेगा। अब आपको क्लिक करना है इस बॉक्स के अंदर जो कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में है, और यहाँ पे आके आपको टेक्स्ट को ऐड करना है। ऐड टेक्स्ट एट डिफरेंट लेवल्स, टेक्स्ट को आपको अलग अलग लेवल्स पे ऐड करना है और डिलीट करना है अनवांटेड बॉक्सेस। जो भी अनवांटेड बॉक्सेस है उसे यहाँ से डिलीट कर दें। यू कैन चेंज द कलर स्कीम ऑफ द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक बाय सिलेक्टिंग द चेंज कलर। तो आप क्या कर सकते हो, इस स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के कलर को भी चेंज कर सकते हो। चेंज कलर ऑप्शन में जाके, चेंज कलर ड्रॉप डाउन एरो में जाके, जो कि स्मार्ट आर्ट स्टाइल ग्रुप में मिलेगा आपको स्मार्ट आर्ट डिजाइन टैब में। व्हेन यू इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक टू टैब्स नेमली स्मार्ट आर्ट डिजाइन एंड फॉर्मेट अपीयर। तो जब भी आप इंसर्ट करते हैं स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को, दो टैब्स आ जाते हैं जिनमें जिनका नाम है स्मार्ट आर्ट डिजाइन और फॉर्मेट। तो ये दोनों आपके सामने आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इन टैब्स को यूज करना है। आप अपने ग्राफिक्स को कस्टमाइज कर सकते हो इन्हें यूज करके। एग्जाम्पल दिया गया है, यू कैन ऑल्सो फॉर्मेट द शेप ऑफ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। हम ये जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हैं इनके शेप्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं बाई चूजिंग अ शेप फ्रॉम द शेप स्टाइल ग्रुप ऑन द फॉर्मेट टैब। तो फॉर्मेट टाइप के शेप स्टाइल ग्रुप में जाके हम वहाँ से जाके इन के स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के शेप्स को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग अ टेबल। अब कैसे एक टेबल को इंसर्ट करना है, लेट्स रीड अबाउट इट। लाइक वर्ड, पावर पॉइंट ऑल्सो अलाउज यू टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन अ टेबुलर फॉर्मेट। तो जैसे हम वर्ड में टेबल इंसर्ट करते हैं, वैसे हम पावर पॉइंट में भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। किससे, टेबल फीचर से। ये जो टेबल है ये ग्रिड ऑफ रोज और कॉलम्स है, रोज और कॉलम्स को मिला के ये टेबल बनते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, उसे रिप्रेजेंट करने में। तो कैसे इंसर्ट करना है टेबल को, लेट्स सी। फर्स्ट वी हैव टू इन अ स्लाइड क्लिक ऑन द टेबल ऑप्शन। हमें टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है जो कि टेबल्स ग्रुप इंसर्ट टैब में आपको मिलेगा। या फिर हमें क्या करना है, हमें टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड पे जाना है जो कि इंसर्ट टैब में मिलेगा, एंड इस आइकन पे हमें क्लिक करना है। द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स विल अपियर। और ऐसा करते ही जो इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने आ जाएगा। अब हमें डिफाइन करना है कितने रोज और कितने कॉलम्स चाहिए हमें, एंड देन ओके पे क्लिक करना है। अ न्यू टेबल विल बी डिस्प्लेड अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड रो एंड कॉलम। तो जितने रो और कॉलम की आपने नंबरिंग डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको एक नया टेबल वहाँ बना हुआ मिल जाएगा। प्लेस द माउस पॉइंटर इन द फर्स्ट सेल ऑफ द टेबल एंड टाइप द हेडिंग। तो पहले सेल में आपको पॉइंटर डालना है और फिर आपको जो भी हेडिंग है वो टाइप करनी है। प्रेस द टैब की, और दूसरे सेल में जाने के लिए आपको टैब की प्रेस करना पड़ेगा। सिमिलरली इंसर्ट डेटा फ्रॉम वन सेल इनटू द टैब टेबल यूजिंग टैब। तो अगर आपको डेटा और आगे फर्दर इंक्लूड करना है तो आपको टैब की को प्रेस करना और डेटा को इनपुट करना है, आरो की का यूज़ करना है, या फिर क्विक क्लिक करना है उस दिए गए सेल पे। तो ये दो तीन तरीके बताए गए जिससे आपको डेटा एंटर करना है। Now there is a note, when you insert a table, two new tabs namely design tab and layout to appear. तो जैसे हम टेबल को इंसर्ट करते हैं दो टैब्स आ जाते हैं, टेबल डिजाइन या फिर लेआउट टैब आपके सामने। यू कैन अप्लाई वेरियस टेबल डिजाइंस। आप अलग अलग तरीके के टेबल डिजाइंस को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि टेबल स्टाइल हो गया, शेडिंग हो गया, बॉर्डर हो गया, इफेक्ट हो गया, वर्ड आर्ट स्टाइल हो गया, ड्रॉ बॉर्डर्स हो गया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये जो टूल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है वाइल फॉर्मेटिंग अ टेबल इनटू अ स्लाइड। टेबल को स्लाइड में फॉर्मेट करने में एक टूल्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट है, अब हमने टेबल को इंसर्ट करना सीख लिया, अब हम सीखेंगे कैसे हम चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। अ चार्ट इज एन इफेक्टिव वे टू डिस्प्ले डेटा इन अ ग्राफिकल और पिक्टोरियल फॉर्म। ये जो चार्ट है ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है डेटा को डिस्प्ले करने का ग्राफिकल फॉर्म में या फिर पिक्टोरियल फॉर्म में। चार्ट्स मेक इट ईजी टू शो कंपेरिजन एंड ग्रोथ रिलेशनशिप
अमंग द वैल्यूज. सो वैल्यूज के बीच में ग्रोथ दिखाने में, रिलेशनशिप दिखाने में या फिर कंपैरिजन दिखाने में ये चार्ट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. द ट्रेंड इन एंड ट्रेंड इन द डेटा, और ट्रेंड्स को भी ये शो करते हैं. चार्ट्स प्रोवाइड एन एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन. चार्ट्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन की एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देते हैं या एनालिसिस देते हैं. टू इंसर्ट अ चार्ट वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स. तो आप देख सकते हो आपके सामने ये कॉलम्स हैं जहाँ पे आप चार्ट्स, बहुत सारे चार्ट्स दिए गए हैं, आप इनमें से इंसर्ट कर सकते हो. जैसे कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, एक्स वाई स्कैटर, मैप, स्टॉक, सरफेस रडार, ट्री मैप, सनबर्स्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स एंड विस्कर, वाटरफॉल, फनल, कॉम्बो. तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चार्ट्स दिए गए हैं, आप इनमें से कोई भी इंसर्ट कर सकते हो. यहाँ हमने कॉलम को चूज किया है. तो पहले हमें क्या करना है, क्लिक करना है चार्ट ऑप्शन पे जो कि इलस्ट्रेशन ग्रुप में है हमारे इंसर्ट टैब के. अब आपको क्या करना है, या फिर आपको क्या करना है, आपको टाइटल और कंटेंट स्लाइड में जाना है जो कि इंसर्ट चार्ट आइकन में आपको दिखाई देगा. तो इस आइकन पे हमें क्लिक करना है. नाउ इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर एज सून इन डायग्राम. तो जैसे ही आपने ये किया, जो इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने आ जाएगा डायग्राम में. सेलेक्ट द चार्ट टाइप इन द लेफ्ट पेन एंड द सब टाइप इन द सेलेक्टेड चार्ट. तो हमें क्या करना है, चार्ट टाइप को सेलेक्ट करना है लेफ्ट पेन में और सब टाइप्स को सेलेक्ट करना है जो कि आपके राइट पेन में दिखाई देगा. नाउ सेलेक्ट द कॉलम चार्ट एंड क्लिक ऑन ओके. अब हमें कॉलम चार्ट पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है. The chart will be shown with the data sheet that contains the default data as shown in the diagram given below. तो जैसे यहाँ पे आप डेटा दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ट में दिखाई देने लगेगा, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4. तो आप देख सकते हो ये चारों कैटेगरीज आपको यहाँ पे दिख रही हैं. अब यहाँ पे सीरीज 1, सीरीज 2 और सीरीज 3 हैं, तो ये तीनों सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही हैं. तो इसके अकॉर्डिंग आपका चार्ट बन जाएगा. You can replace the default data with your own data. तो जो दिया गया data उसे आप अपने खुद के data से आप replace कर सकते हो. To delete all the data from the data sheet, select it and press the delete key. आपको जो है delete करना है सारे data को data sheet से, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको delete key को press करना होगा. Now children, there is something given in extra byte. When you create a chart, two tabs appear. जैसे ही हम चार्ट को क्रिएट करेंगे दो टैब्स हमारे सामने आ जाएंगे. पहला है चार्ट डिजाइन और फॉर्मेट. These include various chart tools and commands that allows you to modify the format and format the chart. ये क्या करते हैं, हमें चार्ट को मॉडिफाई करने में या फॉर्मेट करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है अप्लाइंग एनिमेशन इफेक्ट्स. एनिमेशन इफेक्ट्स को अब कैसे अप्लाई किया जाए अपने पीपीटी में, दिस वी विल लर्न. So the ability to move objects like text, graphic, pictures, charts, logos, etc. on the slide is called animation. तो ये जितनी भी चीज़ें चिल्ड्रन यहाँ पर mention है, इन चीज़ों को insert करना अपने slide में, इन्हें ही हम animation कहते हैं. It's quite beneficial when you wish to focus on some important points. जब आप चाहते हो कि आपका जो पर्सन जो आपकी प्रेजेंटेशन को देख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस रहे, तो ऐसी चीज़ों को हमें अप्लाई करना चाहिए अपने प्रेजेंटेशन में. इट ऑल्सो कंट्रोल्स द सीक्वेंस ऑफ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन उसके सीक्वेंस को भी कंट्रोल करता है और हेल्प करता है बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन को बनाने में. Besides giving visual effects to your presentation, आपके जो presentation उसको visual effect देने के अलावा, you can also enhance your slide object. आप क्या कर सकते हो, अपने slide object को enhance कर सकते हो, build कर सकते हो, जैसे कि picture, shape, table, smart art, etc. By applying suitable animation effect, अलग अलग तरीके के animation effects को apply करके आप ये कर सकते हैं. You can add more than one animation effect of the same object. हम एक या उससे ज़्यादा animation effects लगा सकते हैं अपने एक ही object की, या फिर apply कर सकते हैं एक ही तरीके का animation effect to multiple objects, बहुत सारे objects में. By using the option in the animation group on the animation tab.
तो ये जो ऑप्शन आपको एनिमेशन ग्रुप में मिलेगा एनिमेशन टैब के. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू अप्लाई एनिमेशन इफेक्ट टू द स्लाइड ऑब्जेक्ट. हमें जो ये दिए गए स्टेप्स है उसे अप्लाई करना है अपने एनिमेशन इफेक्ट्स में स्लाइड ऑब्जेक्ट में. सो ये द फर्स्ट पॉइंट है कैसे हम जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं. तो पहला है ओपन द प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन को ओपन करिए. अब सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को जो हमें एनिमेट करना है. नाउ क्लिक ऑन द एनिमेशन टैब. अब हमें एनिमेशन टैब पे क्लिक करना है. फॉलो बाय ऐड एनिमेशन ऑप्शन, जिसे ऐड एनिमेशन ऑप्शन में फॉलो करना है. प्रेजेंट इन द एडवांस एनिमेशन ग्रुप, जो कि हमारे एडवांस एनिमेशन ग्रुप पे प्रेजेंट रहता है. सो चिल्ड्रन आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एनिमेशंस टैब में जाना है और यहाँ पे आपको जाके एनिमेशंस पे क्लिक करना. आप देख सकते हो अलग अलग तरीके के एनिमेशंस हैं. प्रीव्यू, नॉन अपीयर, फेड, फ्लाई, फ्लोट, स्प्लिट, वाइप, शेप, व्हील, रैंडम बास. इसके अलावा भी एनिमेशन से जो आप यूज कर सकते हो. ऐड एनिमेशन में जाके आप एनिमेशन को ऐड कर सकते हो. अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर इन विथ फोर डिफरेंट कैटेगरीज. तो जैसे ही आप ऐड एनिमेशन पे जाओगे आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा जिसमें चार ऑप्शंस होंगे. वे चार एज फॉलोज. और क्या है ये ऑप्शंस? पहला है एंट्रेंस. एज द नेम सजेस्ट दीज इफेक्ट डिसाइड द मैनर इन विच एन ऑब्जेक्ट एंटर्स द स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो. तो ये जैसे इसका नाम है एंट्रेंस, तो ये क्या बताता है कि किस तरीके से कोई स्लाइड एंटर करेगा एक स्लाइड शो के समय. फिर आता है एम्फेसिस. दीज इफेक्ट्स डिटरमाइन हाउ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड ड्रॉ अटेंशन और व्यूज ड्यूरिंग द स्लाइड शो. ये जो इफेक्ट्स है ये क्या बताते हैं? ये हमें बताते हैं कि कैसे जो स्लाइड है किसी तरीके के अटेंशन को ग्रैब कर सकता है स्लाइड शो के टाइम. दीज इफेक्ट्स मेक एन ऑब्जेक्ट श्रिंक और ग्रो इन साइज. ये क्या इफेक्ट्स क्या करते हैं? किसी चीज़ को छोटा कर देते हैं या उसका साइज बड़ा कर देते हैं. फिल अप कलर, कलर को फिल कर देते हैं या फिर स्पिन कर देते हैं उस कंटेंट को सेंटर में. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे. अगला आता है एग्जिट. दीज इफेक्ट कंट्रोल द मैनर इन विच द ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट. अब जो है वो एनिमेशन सामने तो आ गया, वो कैसे वापस जाएगा? तो ये बताता है हमारा एग्जिट फ्रॉम द स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो. तो ये स्लाइड शो के समय आपको पता चलेगा कि कैसे वो स्लाइड या फिर वो एनिमेशन एग्जिट होगा. फिर फोर्थ पॉइंट है मोशन पाथ. यू कैन यूज दीज इफेक्ट्स टू मेक एन ऑब्जेक्ट मूव अप और डाउन. तो आप ये ऑब्जेक्ट्स ये इफेक्ट को यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए, लेफ्ट या राइट ले जाने के लिए, या फिर स्टार या फिर सर्कुलर पैटर्न में ले जाने के लिए. ये जो इफेक्ट्स है ये क्या करते हैं? इनेबल करते हैं ऑब्जेक्ट्स को टू मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर. ये जो इफेक्ट्स हैं ये ऑब्जेक्ट को एक पोजिशन से दूसरे पोजिशन तक ले जाते हैं. और अनदर ऑन अ स्लाइड एंड फॉलो स्पेसिफाइड पाथ. तो और एक स्पेसिफाइड पाथ को फॉलो भी करते हैं ड्यूरिंग द स्लाइड शो, स्लाइड शो के टाइम. टू व्यू मोर एनिमेशन इफेक्ट्स ऑफ ईच कैटेगरी. हर कैटेगरी के और भी ज़्यादा एनिमेशन इफेक्ट्स आपको चाहिए तो आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है डिजायर्ड ऑप्शन. जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसे सेलेक्ट करना है. अवेलेबल एट द बॉटम ऑफ ऐड एनिमेशन ड्रॉप डाउन मेन्यू. तो ऐड एनिमेशन ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसमें आप देख सकते हो इनमें से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं. या फिर करना है हमें क्लिक मोर ऑप्शन पे जो कि आपके इस एनिमेशन ग्रुप के एनिमेशन टैब पे आपको मिलेगा. नेक्स्ट इज चूज द डिजायर्ड एनिमेशन इफेक्ट फ्रॉम द डिस्प्लेड मेन्यू. अब जो भी एनिमेशन चाहिए वो आप इस मेन्यू से चूज कर सकते हैं. आफ्टर अप्लाइंग एन एनिमेशन इफेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट. जब हमने अप्लाई कर दिया एनिमेशन इफेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट में, यू विल नोटिस दैट अ नंबर्ड टैग अपीयर्स एडजेसेंट. आपको क्या दिखाई देगा कि एक नंबर टैग है ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड पेन, आपके स्लाइड पेन पे. यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई व्हेन एन एनिमेशन शुड बी प्ले. आप ये भी लिख सकते हो कि एनिमेशन कितने ड्यूरेशन में प्ले किया जाएगा बाई चूजिंग एन ऑप्शन इन द स्टार्ट बॉक्स. जो कि आपके स्टार्ट बॉक्स में ऑप्शन आपको मिलेगा विच इज अवेलेबल इन द टाइमिंग्स ग्रुप. जो आपको टाइमिंग्स ग्रुप में मिलेगा
on the animation tab, animation tab pe. As shown in the figure, the options on the start box are. अब स्टार्ट बॉक्स में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, लेट्स सी हियर. पहला है ऑन क्लिक. तो अब ये जो है एनिमेशन कब जो स्टार्ट होगा, जैसे हम क्लिक करते हैं. तो स्टार्ट द एनिमेशन यू हैव टू क्लिक द माउस बटन. नेक्स्ट है विथ प्रीवियस. सो टू स्टार्ट द एनिमेशन एट द सेम टाइम एज अ प्रीवियस एनिमेशन इफेक्ट इन द लिस्ट. तो जैसे प्रीवियस एनिमेशन खत्म हुआ, नया एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा. या फिर आफ्टर प्रीवियस, प्रीवियस के बाद ये स्टार्ट होगा. सो ये तीन ऑप्शंस हैं, जैसे जो टाइम ड्यूरेशन आप सेट कर सकते हो, इनमें से कौन सा आपको सही लग रहा है. अब इसके बाद टू सेट द टाइमिंग्स ऑफ द एनिमेशन इफेक्ट यूज द ड्यूरेशन बॉक्स. हमें क्या करना है, ड्यूरेशन बॉक्स में जाना है और वहाँ पे जाके आप देख सकते हो ये आपका ड्यूरेशन बॉक्स. तो यहाँ पे आपको जाके सेट करना है टाइमिंग एंड इट हेल्प्स यू टू चेंज एंड कंट्रोल द स्पीड ऑफ एनिमेशन इफेक्ट. ये क्या करता है, हेल्प करता है आपको कंट्रोल करने में जो स्पीड है एनिमेशन इफेक्ट की. लाइकवाइज यू कैन सेट द डिलेड टाइम बिफोर द एनिमेशन बिगिंस. आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो डिले जो टाइम है एनिमेशन के जाने से पहले यूजिंग द डिले बॉक्स. तो डिले बॉक्स से आप एनिमेशन का जो टाइम है उसे बढ़ा सकते हो, एनिमेशन थोड़ी देर बाद जाएगा. You can also use the reorder animation. अब हम reorder animation को भी use कर सकते हैं यहाँ से. In the timings group to change the order, order को change करने के लिए, which the animation effects do appear. Now click on the preview. अब हमें preview button पे click करना है. On the preview group, जो कि preview group में है animation tabs के, and यहाँ पे click करते ही हमें अपने जो भी animation था उसका preview दिखाई देने लगेगा और वो प्रीव्यू अप्लाई हो जाएगा हमारे करंट स्लाइड पे. नेक्स्ट इज अप्लाइंग ट्रांजिशंस. नाउ चिल्ड्रन, आफ्टर लर्निंग अप्लाइंग एनिमेशन, लेट्स मूव ऑन टू अप्लाइंग ट्रांजिशन. अब ट्रांजिशन कैसे लगाना है अपने हमें स्लाइड्स में. सो ट्रांजिशन सबसे पहले होता है क्या, ट्रांजिशन अपीयर्स व्हेन वन स्लाइड चेंजेस टू द अदर ड्यूरिंग द स्लाइड शो. तो ट्रांजिशन कब होता है, जब एक स्लाइड चेंज करके दूसरे स्लाइड में कन्वर्ट होता है स्लाइड शो के टाइम. यू कैन अप्लाई ट्रांजिशन इफेक्ट टू अ सिंगल स्लाइड एज वेल एज टू ऑल द स्लाइड्स. तो ये ट्रांजिशन हम एक स्लाइड में भी लगा सकते हैं और सारे स्लाइड्स में भी लगा सकते हैं. तो हमें क्या करना है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है जो कि ट्रांजिशन इफेक्ट्स को अप्लाई करेंगे हमारे स्लाइड में. सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है स्लाइड को जिस पे हमें ट्रांजिशन लगाना है और क्लिक करना है ट्रांजिशंस टैब में. ये है हमारा ट्रांजिशंस टैब. नाउ अब ट्रांजिशन टैब में हमें जाके ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप पे जाना है एंड जो भी हमारा ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप है इस पे जाना है और जो भी हमें चूज करना है इतने सारे ऑप्शंस में से वो उस पर हम चूज कर सकते हैं. अब हमें क्या करना है, क्लिक ऑन मोर. मोर पे जाके हम और भी ज़्यादा ट्रांजिशंस को चूज कर सकते हैं जो कि यहाँ हमारे फिगर में दिख रहा है. अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट एन इफेक्ट ऑफ योर टू योर स्लाइड. अब जो भी इफेक्ट है हमारे स्लाइड का वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं. नाउ सेलेक्ट द इफेक्ट ऑप्शन इन द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड. अब हमें क्या करना है, इफेक्ट ऑप्शन पे जाना है जो कि हमारे इस ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप में है एंड वहाँ से जाके हमें चूज करना है ट्रांजिशन इफेक्ट हमारे स्लाइड के लिए. अब हमें क्लिक करना है ड्रॉप डाउन एरो पे जो कि हमारे ऑफ द साउंड ऑप्शन, साउंड ऑप्शन के जो ड्रॉप डाउन एरो है उस पर क्लिक करना है. टाइमिंग्स ग्रुप जो कि टाइमिंग्स ग्रुप में है जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा था, सेलेक्ट एनी साउंड इफेक्ट. अब हम साउंड इफेक्ट भी यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं. नाउ क्लिक ऑन द प्रीव्यू ऑप्शन. अब प्रीव्यू ऑप्शन पे जाना है एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट और यहाँ पे जाके इफेक्ट को देखना है. स्पेसिफाई द ट्रांजिशन टाइमिंग बाय एंटरिंग द नंबर ऑफ सेकेंड्स और मिनट्स इन द ड्यूरेशन बॉक्स. अब ड्यूरेशन बॉक्स में जाके हमें जो भी टाइम सेट करना है वो हम सेट कर सकते हैं जो कि आपको टाइमिंग ग्रुप में मिलेगा. सेलेक्ट द ऑन माउस क्लिक. अब हमें ऑन माउस क्लिक चेकबॉक्स पे जाना है. इफ़ यू वॉन्ट टू एडवांस द स्लाइड बाय क्लिकिंग द माउस. आपको क्या करना है, अगर आपको एडवांस करना है स्लाइड पे माउस पे क्लिक करके. नाउ क्लिक ऑन द आफ्टर चेक बॉक्स. हमें आफ्टर चेक बॉक्स पे क्लिक करना है.
अगर आपको स्लाइड को, इफ यू वॉन्ट द स्लाइड टू एडवांस ऑटोमेटिकली, अगर आप चाहते कि स्लाइड अपने आप ही आगे बढ़ जाए टू द नेक्स्ट स्लाइड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय बाद, यू कैन स्पेसिफाई द स्लाइड एडवांस टाइमिंग इन द स्पिन बॉक्स. आप क्या कर सकते हो, स्लाइड एडवांस टाइमिंग को स्पेसिफाई कर सकते हो स्पिन बॉक्स में जाके. अब वहाँ जाके आपको क्लिक अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करना है एंड जो कि आपको टाइमिंग्स ग्रुप में मिलेगा और जो भी सिलेक्टेड इफेक्ट है वो आपको वहाँ पे दिखेंगे. या फिर आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है इफेक्ट को जो कि अप्लाई हो जाएंगे इन करेंट स्लाइड ओनली. नाउ क्लिक ऑन द स्लाइड शो टैब. अब हमें स्लाइड शो टैब पे क्लिक करना है और चूज करना है फ्रॉम बिगनिंग ऑप्शन. फ्रॉम बिगनिंग ऑप्शन को चूज करना है. जो प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी बिगनिंग से, मीन्स स्टार्टिंग से, और जो भी ट्रांजिशंस हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे. सो दिस वॉज हाउ वी कैन अप्लाई ट्रांजिशंस. नाउ चिल्ड्रन लेट्स रिवाइज वॉट एवर वी हैव लर्न. सो लेट्स मूव ऑन टू लेट्स रिवाइंड. स्लाइड मास्टर सेट्स द डिफॉल्ट लेआउट एंड फॉर्मेटिंग फॉर ऑल अदर स्लाइड्स. स्मार्ट आर्ट इज अ ग्राफिक टूल दैट अलाउज टू प्रेजेंट डेटा और इंफॉर्मेशन विथ ग्राफिक्स इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग द टेक्स्ट. अ टेबल इज अ ग्रिड ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स एंड इट इज वेरी यूजफुल इन ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग डेटा इन एन इफेक्टिव मैनर. चार्ट इज एन इफेक्टिव वे टू डिस्प्ले डेटा इन अ ग्राफिकल और पिक्टोरियल फॉर्म. द एबिलिटी टू मूव ऑब्जेक्ट लाइक टेक्स्ट, ग्राफिक, चार्ट, लोगो एक्सेट्रा इन एनी डायरेक्शन ऑफ द स्लाइड इज कॉल्ड द एनिमेशन. ट्रांजिशन अपीयर्स व्हेन ओनली वन स्लाइड चेंजेस टू अनदर ड्यूरिंग द स्लाइड शो. सो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू चिल्ड्रन टू द बुक एक्सरसाइज विच इज चेक योरसेल्फ. सो यर चिल्ड्रन द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टैब हैज द स्लाइड मास्टर ऑप्शन. So view tab has the slide master option. Next, when you insert a chart, the data is displayed in a special window called data sheet. Do the rest questions yourself, children. Now let's move on to fill in the blanks. Now children, let's move on to fill in the blanks. Here the first question is, in slide master, the slide title placeholder is the first placeholder for the title of the page. Second, our table is a grid of rows and columns. So do these questions yourself. Now let's move on to true or false. Here the first question is, any change made in the slide master page automatically reflects on the every slide. Yes, this is true. Table is an effective way to display data in a graphical and pictorial form. No, this is false. Do the rest questions, children, yourself. Now children, let's move on to D part, which is answer the following questions. Here the first question is, what is the slide master? So slide master is slide master sets the default layout and formatting on all the slides. So for this slide master is used. Now let's move on to the second one. What do you understand by creating a new custom layout? So sometimes what happens, children, we cannot find out the standard layout that we want for our presentation. In that case, we use new custom layout, which creates new layouts which we want according to ourselves. So what this new custom layout does, it creates new layouts according to our choice. So similarly, children, you have to do the rest two questions that are left here, and with this we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be waiting for you with a new video. Till then, children, stay tuned and thanks for watching.